नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। आदि पुरुष के रावण पर विवाद तेज, यति नरसिंहानंद बोले सैफ अली का गेटअप सनातन विरोधी है। बांदा में सांगों का हैरत अंगेज प्रदर्शन, महिलाओं ने जावरा का किया विसर्जन, नवरात्र महोत्सव का किया गया समापन। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने का मामला, प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। आगरा में हॉस्पिटल में भीषण आग, एक परिवार के 3 जिंदा जले, डॉक्टर उनकी बेटी और बेटे की मौत, 3 मरीज गंभीर। जौनपुर में मूर्ति विसर्जन के लिए बनाया गया शक्ति कुंड, 200 से अधिक प्रतिमा का होगा विसर्जन। बागपत में एसपी ने रावण दहन स्थल का की लिया जायजा, पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर में तालाब में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने रस्सी और मुंह में डंडा डालकर बाहर निकाला, तालाब में पली थी मछलियां। पीलीभीत में रेलवे गेट मैन की हत्या, रुपए के लेन देन का मामला, आरोपियों ने अपने ही घर में दफनाया शव। डूबती हुई 4 युवतियों को युवक ने दी नई जिंदगी, झांसी के बांध में डूब रही 4 लड़कियों को बचाया। बदायूं जमीन बटाई की खन्नस में युवक को मारी गोली, कल पिता के साथ खेत की रखवाली करने गया था, कनपट्टी पर किया फायर। बुलंदशहर में जमीन धंसने से धान से भरा ट्रक पलटा, शहर में सीवर लाइन बिछने के बाद हो रहे हादसे। बांदा पुलिस ने 476 वाहनों का किया चालान, 11 लाख जुर्माना वसूला, त्योहारों पर पुलिस बरत रही सतर्कता। देवरिया में बेकाबू ट्रक ने 2 मासूम की ली जान, पुलिस ने घेराबंदी कर चालक को दबोचा, 1 बच्ची गंभीर रूप से घायल। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार, पत्नी और 2 बेटों की 1 साल पहले की थी हत्या, मथुरा पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में मुलायम सिंह के लिए मांगी जा रही दुआ, विधायक ओम प्रकाश सिंह ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। अलीगढ़ में शादी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार, सिविल लाइंस और गांधी पार्क क्षेत्र से 13 आरोपी दबोचे। लखनऊ में पत्नी का कत्ल कर खुद लगाई फांसी, बट्टे से हमला कर उतारा मौत के घाट, बेटा बोला मम्मी करती थी अनजान युवक से बात। मथुरा में मुठभेड़ में घायल हुआ गांजा तस्कर, पुलिस की गांजा तस्कर से हुई मुठभेड़। दशहरा उत्सव में ड्रोन से रखी जाएगी नजर, नुमाइश मैदान के साथ जिले भर में होगा पुतला दहन। पीलीभीत में धार्मिक आयोजन में पुलिस और जनता के बीच विवाद, समझौता कराने पहुंचे हिंदूवादी नेता।
बलरामपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पैसों के लेन देन का था विवाद, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फरुखाबाद में पेड़ पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा, कोल्ड स्टोरेज प्रबंधक पर थप्पड़ मारने का आरोप, आत्महत्या की दी धमकी। अंबेडकर नगर में विदेश भेजने के नाम पर 29 से ठगी, फर्जी वीजा पासपोर्ट देकर वसूले 19 लाख रुपए। महाराजगंज में आदि पुरुष के निर्देशन के खिलाफ दी तहरीर, अधिवक्ता ने केस दर्ज करने की मांग की। ललितपुर में एसपी ने रात में की पैदल गश्त, जनता से किया संवाद, त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। लखीमपुर खीरी में युवक को बाघ ने बनाया निवाला, अलीगंज रोड वन रेंज गोला के जमुनाबाद फार्म के कंपार्टमेंट 3 चौकी का था मृतक। यूपीएसटीएफ ने पेट्रोल माफियाओं को दिया बड़ा झटका, विषैले पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में घुसकर चोरी का प्रयास करता हुआ चोर हुआ सीसीटीवी में कैद, परिवारजन के आने के चलते नहीं दे पाया चोरी को अंजाम। सीतापुर में युवक की गर्दन काटकर हत्या, शरीर के कई अंगों को किया क्षतिग्रस्त, पुलिस बोली अवैध संबंधों ने ली जान। उन्नाव में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 13 साल की थी, एक युवक को पुलिस ने आत्महत्या करने से बचाया। अलीगढ़ में शहीद के सम्मान में गांव में उमड़ा जनसैलाब, परिजनों ने रो कर बुरा हाल, जनप्रतिनिधियों ने दी सांत्वना। अमेठी में दुर्गा पूजा पंडाल में घुसा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक, हादसे में कई लोग घायल, घटना के बाद भक्तों में काफी आक्रोश। अलीगढ़ में विजयदशमी के उपलक्ष्य में आरएसएस स्थापना दिवस पर निकाला पद संचलन। औरैया में दुष्कर्म के बाद हत्या पर एसपी का बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि। बदायूं में 40 फीट ऊंचा रावण और मेघनाथ का पुतला किया जाएगा दहन, एसपी सिटी सीओ पुलिस फोर्स के साथ मेले का निरीक्षण किया। अलीगढ़ में बजरंग दल ने शस्त्र पूजन कर मनाया विजयदशमी का पर्व, राधेश्याम सिंह ने कहा साहस का प्रदर्शन केवल धर्म रक्षा करना। श्रावस्ती में देर रात से हो रही जोरदार बारिश, बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता, धान की तैयार फसलों का होगा नुकसान। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच ने किया सत्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया। औरैया में सपा नेता के खिलाफ रेप की धारा में दर्ज हुआ मुकदमा, पीड़िता ने बताया कि लगातार बच्चे एवं पति को मारने की दे रहा था धमकी। बुलंदशहर में पराली और कचरा जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई, दर्जन भर से अधिक किसान पर लगा जुर्माना। चंदौली में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से होमगार्ड की हुई मौत, रिश्तेदारी से मिलने स्कूटी से जा रहे थे वाराणसी।
गाजियाबाद में सिलेंडर फटा, परिवार के चार लोगों की मौत। गैस लीक से सिलेंडर तक पहुंची आग। मलबे में दबे दो की हालत गंभीर। गोंडा में हत्यारे को सरेआम दी गई फांसी। पुलिस की मौजूदगी में सरेआम फांसी के फंदे पर लटकाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया चिड़ियाघर का भ्रमण। सफेद बाघिन को बाड़े में भेज तेंदुओं के बच्चे का किया नामकरण। गाजियाबाद में एलईडी फटने से युवक की मौत। दो जख्मी। धमाका 500 मीटर तक सुनाई दिया। गोंडा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, दलित वोट पाने के लिए भाजपा ने मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति। हरदोई में खाद्य सुरक्षा विभाग की खुली भ्रष्टाचार की पोल। समाजसेवी वरिष्ठ अधिवक्ता भंवरपाल ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कानपुर देहात में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में दो सगे भाई सहित एक पुत्र की मौत। कासगंज में श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक दर्जन से अधिक लोग घायल। लखीमपुर खीरी में युवक को बाघ ने बनाया निवाला। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। लखनऊ में महिला समूह ने मिलकर डांडिया नाइट का किया आयोजन। अपार्टमेंट्स के सभी निवासी गरबा के माध्यम से माता को मनाया। प्रयागराज में दुर्गा पूजा पंडाल में विसर्जन से पहले दिखा सिंदूर। खेला के उत्सव की धूम। बंगाली समुदाय के लोग ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। रायबरेली में चोरों ने नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात किए पार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में मजदूरी करने गया युवक की सड़क हादसे में मौत। दूसरे की हालत गंभीर। रायबरेली में रिटायर्ड विद्युत कर्मचारी की अनियंत्रित लोडर ने मारी जोरदार टक्कर। घायल रिटायर्ड विद्युत कर्मचारी ट्रामा सेंटर रेफर। संबल में बुकनाला सादात में निकाला गया अमारी का जुलूस। जुलूस सिया समुदाय के लोगों ने उठाई। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संबल में जुलूस से मोहम्मदी में राजनीतिक बैनर व शस्त्र लाने पर पाबंदी। डीजे लाने वाली अंजुमन कमेटियों पर लगाई रोक। शाहजहांपुर में दशहरे के दिन रावण दहन से पहले लोग करते हैं रावण की पूजा। पिछले 50 वर्षों से हो रहा रावण का पूजा। सुल्तानपुर में हुआ जिला सुरक्षा संगठन व केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के कैंप का शुभारंभ। पुलिस अधीक्षक को दिया गया सम्मानित। वाराणसी पहुंचे भदोही डीएम। हॉस्पिटल और बीएचयू ट्रामा सेंटर के सभी मरीजों के जाना हालचाल। संबल के चंदौसी में शुरू हुआ आयुष्मान कार्ड प्रकरण। जिला अधिकारी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कुशीनगर में पोखरे में डूबने से युवक की हुई मौत। पोखरे से जलकुंभी निकालने गया था युवक।
उन्नाव बीजेपी सांसद के साक्षी महाराज ने आदि पुरुष पर को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा रावण को फिल्म में दिखाया गया खिलजी। बुलंदशहर में दशहरा पर्व पर 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन, शाम को होगा रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। चंदौली में पुलिस और स्वाट टीम हत्थे चढ़े दो शातिर चोर, दोनों के पास से चोरी की बुलेट और स्कूटी बरामद। देवरिया में अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, दो बच्चियों की मौके पर मौत, कई घायल, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। हमीरपुर में शराब के नशे में धुत बारातियों ने किया हंगामा, नशे में धुत बारातियों ने गाली गलौज करते हुए घंटों मचाया उत्पात। लखनऊ के जानकीपुरा में युवक ने की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, कार में सवार एक युवक झुलसा, एक ने कूद कर बचाई जान। लखनऊ में पूरा पंडाल देखते देखते हुआ जमींदोज, स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से फंसे लोगों को निकाला गया। कानपुर में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने डॉक्टर पर किया हमला, मौके पर पहुंचकर डीएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया 51 जिलों में बारिश का अलर्ट, राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ग्रेटर नोएडा में 11 साल के बच्चे को कार ने कुचला, मासूम की हालत नाजुक, सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में रामलीला के मंच पर हुआ बार बालाओं का अश्लील डांस, पुलिस व पब्लिक बीच में हुई झड़प। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।